दर्शक बंधु नमस्कार। केतेक अत्यावश्यक कार्य जोगु मोर विज्ञान और परिवेश संबंधी वीडियो प्रस्तुति कार्य किछि मास पई बंद थिला। से ही कार्य को पुनर्बार करिबा पूर्वरु भाविली केउठारु आरंभ करिबी। किछि समय चिंता करिबा परे स्थिर कली जिए मोर एही कार्य करिबार प्रेरणार उत्स थिले एही अंचलर प्रसिद्ध वैज्ञानिक थिले तांकर संक्षिप्त जीवनी उपरे प्रथमे वीडियो प्रस्तुत करिबी। ताहेले आसंतु जानिबा ही जनप्रिय वैज्ञानिकों विषय रे। से हेउचंती डॉक्टर नीलाचल साहू। से रिफ्रैक्टोरी सिरामिक और समधर्मी पदार्थर जड़े आंतर्जातिक ख्याति संपन्न वैज्ञानिक। बरगढ़ जिलार लरंभा निकटस्थ कुलिता टुकुरा ग्राम से 1951 मसीहा मार्च 11 तारीख में मिर्जापुरी थाली निर्माण में प्रसिद्ध कंसा कारीगर हरिवंश साहू और तांक पत्नी गोलापी साहू को कोलमंडन करते एक दीप्तिवान पुत्र संतान। प्रथम संतानर मृत्यु पर पुत्रटी सुस्थ हो जन्म होइथिबारु तांक परिवार तथा ग्राम से आनंदर लहरी खेली जाइथिला। केतेक वयोज्येष्ठ व्यक्ति परामर्श से माता पिता पुअर नाक एक सुनातार गुणा पिंधाई तांक डाक नाम रखिथिले गुना। कारण तांकर विश्वास थिला गुणा पिंधिबा द्वारा पुत्र दीर्घायु हेबो। स्कूल जीवार बयस हेबारु ग्रामर प्राथमिक स्कूल रे गुना बाबूंकर नाम लेखा हला। प्रखर बुद्धि और उत्तम व्यवहार जोगु अति कम दिन में गुरुजी मानकर प्रिय पात्र हो पारे। अधिकांश दिन मध्याह्न भोजन समय रे तांको जेजेमा जलखिया देवाड़े स्कूल को जाई गेल्हा नाती को देखी आसुथिले। बापा माँ निजर सामर्थ्य अनुसार पुअर आवश्यकता पूरण कर खुशी रे रखा चेष्टा करुथिले। से स्कूल नियमित भाव जाऊथिले। दिनकर कथा ज्योतिष गणना करी तांको बापा को कही थिले पुअर गोटे दिन विपद अच्छी से दिन घर बाहर को छाड़े ना। से ही निर्दिष्ट दिन सूचना पिता हरिवंश से दिन पुओ को स्कूल को नजापी परामर्श देवा सहित प्रलोभन स्वरूप 10 पैसा दे। गुनाबाबू पैसा ने अथच स्कूल न जा रही पारे ना। से दिन स्कूल रु आसी अगणारे खेलुवा समय पड़जार हाथ भांगी जाता जहाँफल संबलपुर सरकारी चिकित्सालय को नहीं ब्यांडेज करवाक पड़ता। कृतित्वर सह प्राथमिक विद्या समाप्त करी ग्रामर उच्च प्राथमिक विद्यालय रे नाम लिखेले। यही स्कूल रे पढ़ुवा बेले घर अपेक्षा स्कूल रे भल पढ़ी हेबो बोली तांकर केतेज सांग सहित पढ़ा तथा शोवापी स्कूल को जाते बड़े स्कूल रे पचेरी नाला। स्कूल टी ग्रामरू प्राय 1 किलोमीटर दूर से थवे केवे बिलुआ हेटाबाघ आदि स्कूल को चली आसुले। खरा मसर दिनकर कथा पाठ पढ़ी सारी गरम जो से माने रूम रे न शु बारंडारे शुले। भोर रु सांग पिला माने उठी चली जाइले से एका शुले। निद भांगिबारु से देखिले तांको खट तले गोटे हेटाबाघ अच्छी। मनरे भय थिले मध्य से उपस्थित बुद्धिर प्रयोग कले। से आदौ शब्द नक चेताशून्य होगा बेले खटरे पड़ रही। धीरे धीरे आलुओ है लोक मैंने से बाट दे जावासवा कर हेटाबाघटी तांकर कौनसी क्षति नक चलीगला। से आश्वस्ति अनुभव कले और घर को आसी समस्त कथा कहले। घरे समस्ते भगवान को धन्यवाद जनई गुना बाबू को तांक उपस्थित बुद्धिर प्रयोग प्रशंसा कले और स्कूल जीवाई बारण कले। किंतु निर्भीक गुना बाबू किछि दिन पर पुणी पाठ पढ़ाप स्कूल को जीवा आरंभ करदे। एथिरु तांकर अध्ययन प्रति स्पृहार मात्रा स्पष्ट जनापड़े। उच्च प्राथमिक विद्यालय कृतित्वर सह उत्तीर्ण होलापे लरंभा उच्च विद्यालय रे नाम लिखाइले। ग्राम कुलिता टुकुरु लरंभार दूरता प्राय 7 किलोमीटर तेणु से सैकेल जावासवा कर अध्ययन करुले। 1968 बेचर छात्र छात्री मध्य भल पाठ पढ़ुवा पाने उन् उन् कौशल अवलम्बन करुले। प्रति परीक्षा पर विश्लेषण कर निर्णय करुले कहार क्यों विषय सर्वोच्च नंबर अच्छी ताकू अभिनंदन जनावे ईर्षा करुन। पारस्परिक सकारात्मक सहयोगिता गुण जो बेच्रे समस्त मेट्रिक परीक्षा फलाफल बहुत भल होता। गोटे स्कूल 7 जन प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होगा पास आर अधिक
प्रतिदिन खाई छुट्टी स्कूल को मुढ़ी बादाम चना बिक्री पाई जड़े महिला आसुले पिला माने मजार फेसकेट बोली डाकुले कि मुढ़ी बादाम किणी सांग धीरेन्द्र पंडा जयपाल नायक और कुमुचंद्र दास को सह से स्कूल पड़िया निकटस्थ एक छोट पहाड़ को जाऊथिले एवं सेठारे मुढ़ी बादाम खाई खाई पाठ्य सम्बन्धी एक विषय उपर आलोचना करुथिले। अष्टम श्रेणी वार्षिक परीक्षा समय एक दिन घटना से दिन गणित परीक्षा थाए परीक्षा पूर्वर तांकर जणे सांग पेंसिल काटु काटु हाथ काटिदेले रक्तस्राव हेबारु से कौन करिवे जानिपारिले नाही। गुना बाबू तांकु कहिले रक्त बाहरिबा जागारे परिश्रा लगाइले रक्तस्राव बंद होइजिवो तांको कहिबा मुताबक कार्य करिवारु तांको सांगर रक्तस्राव बंद हला ओ से परीक्षा देले। से ही सांग परे जानिले जे परिश्रार एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी थाए एवं वर्तमान से ही सांग जणे प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ सांग पिलांक सह गुना बाबू चगलामी मध्य करुथिले तांको स्कूल रु अनति दूर रे थिबा गंभारी फार्म रे बहुत आंब गछ थिला तेणु सेठाकु कंचा आंब खाइबा उद्देश्य रे जाउथिले किंतु जगवाळी रो कड़ा नजर बर्ती से माने आंब तोळीबे केमिति एही चगला तथा चालाक पिला माने जगवाळी थिबारो विपरीत पार्श्वरी थिबा आंब गछ को ठेला फेंगुथिले। जगवाळी सेपटे पिलांकु धरिबा पई जाउथिबा समय रे एमाने अन्य पटरु आंब तोळी शीघ्र शीघ्र चाली आसुथिले। मेट्रिक परीक्षा रे गुना बहुत भल नंबर रखी उत्तीर्ण हले ओ जातीय वृत्ति पाई संबलपुर गंगाधर मेहर कॉलेज रे उच्चतर अध्ययन पाई नाम लिखाइले। गंगाधर मेहर महाविद्यालय रे प्री यूनिवर्सिटी रु एमएससी पर्यंत अध्ययन करथिले। तांकर पीयू पढ़ा समय दिनकर घटना गंगाधर मेहर कॉलेज रो तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र कुमार राउत कॉलेज रो सीएलटी हॉल रे रसायन विज्ञान रो क्लास नेउथांती से अध्यापना करूथिबा समय रे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो गोटिए बही पढ़िबा पई परामर्श देथिले। गुना बाबू क्लास सरिबा परे कॉलेज रो लाइब्रेरी गले किंतु लाइब्रेरी रे उक्त पुस्तकटी नथिला। लाइब्रेरियन कहिले उक्त बहीटी दामी और दुर्लभ से संबलपुर गोलबजारे सारस्वत पुस्तक भंडार मालिक पाढ़ी बाबू को जोगाजोग करने को कहते पाढ़ी बाबू एक उदारमना व्यक्ति से रेयार बुक सेलर मोती कटक आग्रा यूपी रु पुस्तकटी मगाई देबे और मासिक किस्ती अनुसार पैसा नेबे। गुना बाबू जा पाढ़ी बाबू सह साक्षात करी बहीटी किणीते और निजर वृत्ति मिलूता अर्थर तार मासिक किस्ती देउथिले। प्रोफेसर महेंद्र कुमार राउत को रसायन विज्ञान अध्यापन से एते प्रभावित होते जे परवर्ती समय रे रसायन विज्ञान सम्मानी स्नातक और रसायन विज्ञान स्नातकोत्तर अध्ययन करते स्नातक विश्वविद्यालय प्रथम श्रेणी में प्रथम एवं तापर स्नातकोत्तर गंगाधर मेहर महाविद्यालय प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल कर सफलतार सह शिक्षा समाप्त करते। एबे जानिबा तांको चाकरी विषय रे अल्प दिन पई जिला कृषि विभाग संबलपुर रे कार्य करथिले। सेठारे कार्य करूथिबा समय रे धोबा पैंट सर्ट इस्त्री करी सेगुडी को जेउ पेपर रे गुडाई देथिला सेही पेपर रे राजगांगपुर स्थित डालमिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च रो एक विज्ञापन पढ़ी एक चाकरी पई दरखास्त करथिले। इंटरव्यू पई डका हला ओ सेही इंटरव्यू रे से सफल हुई डालमिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च रे रिसर्च सिरामिस्ट पदवी रे जोग देले। एबे तांकर डॉक्टरेट डिग्री अनुष्ठान रे कार्यरत थिबा समय रे से अनुष्ठान रो सुनामधन्य डायरेक्टर डॉक्टर यज्ञदत्त पंडांक तत्वावधान रे गवेषणा करी संबलपुर विश्वविद्यालय रु डॉक्टरेट डिग्री लाभ करथिले। तांकर गवेषणार विषय थिला डिस्ट्रक्शन मेकानिजम ऑफ रिफ्रेक्टरीज इन सीमेंट रोटरी किल्स ऑफ एमएस ओडिशा सीमेंट लिमिटेड डॉक्टर साहू डालमिया विज्ञान और औद्योगिक गवेषणा प्रतिष्ठान अर्थात डीआईएसआर रे 1975 मसीह 2003 पर्यंत विभिन्न पदपदवी रे रही रिफ्रैक्टरी सिरामिक और समधर्मी पदार्थ गुड़िकर गवेषणा करथिले। से रिसर्च सिरामिस्ट प्रिंसिपल साइंटिस्ट और परे अनुष्ठान डेप्युटी डायरेक्टर पदरे रही निजर कार्य निर्वाह करथिले। 2004 रु 2011 पर्यंत
ओसेल इंडिया लिमिटेड राजगांगपुर रिफ्रेक्टोरी विभाग टेक्नोलॉजी एवं रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग मुख्य भाव में कार्य करते डीआईएसआर डायरेक्टर पदवी में अधिष्ठित हो 2011-2016 पर्यंत निज दायित्व सुचारू रूपे संपादन करते गोटे वर्ष डीआईएसआर ओसेल एवं डीआरएल परामर्शदाता थे रिफ्रेक्टोरी और सिरामिक क्षेत्र में दीर्घ समय यात्रा पर कलिकतार चैतन्य रिफ्रेक्टोरी टेक्निकल डायरेक्टर और कनसल्टेंट दायित्व बहुत सुंदर भाव में 2017 जीवन अंतिम समय पर्यंत तुलाइले सहित राजगांगपुर तत्वावधान में निर्मित एम टी रिफ्रेक्टोरी टेक्निकल डायरेक्टर थे इच्छा था यह शिल्पर उन्नति एवं देश विदेश में सुनाम अर्जन करूँ यही शिल्प प्रति एत आकर्षण था जे शरीर असुस्थ थिबा समय फैक्ट्री तथा ऑफिस को देखापी जाते उल्लेखनीय कार्य आमर पूर्वतन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैदराबाद स्थित डीआरडीएल अर्थात डिफेन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी डायरेक्टर थिबा समय रे सहित आकाश पृथ्वी त्रिशूल और नाग मिसाइल रेडम निर्माण प्रोजेक्ट कार्य करिवार सुजोग पाई 45 नूतन रिफ्रेक्टोरी उत्पाद प्रस्तुत करते जहाँ मध्य 27 उत्पादर पेटेंट करा देश विदेश विभिन्न वैषयिक पत्रिकार 135 गवेषणा भित्तिक लेखा प्रकाशित होता विदेश यात्रा प्रिय कर्म क्षेत्र में से तांकर मनपसंदर उन्नतमानर गवेषणा करिवार सुजोग पाई गोटिए परे गोटिए सफलतार पहाच चढ़ीथिले रिसर्च प्रोजेक्टर कार्य किंबा सेमिनार और सम्मेलन में अंशग्रहण करिवा पाई इंग्लैंड अमेरिका फ्रांस जर्मनी स्पेन रूसिया चीन इत्यादि विदेश यात्रा करिथिले एबे तांकर पुरस्कार और सम्मान से डीआईएसआर एवं ओसेल प्रतिनिधित्व कर 1987, 1992 और 1999 ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन रे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अवार्ड ग्रहण करते से लाभ करिथिबा अन्य अवार्ड गुड़िक 2011 इंडियन रिफ्रेक्टोरी मेकर्स एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2012 इंडियन सिरामिक सोसाइटी द्वारा रिफ्रेक्टोरी टेक्नोलॉजिस्ट अवार्ड एवं 2019 साइंस एंड मैथमेटिक्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया द्वारा साइंटिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस मेमोरियल ऑनर अवार्ड एठारे विभिन्न अवार्ड ग्रहण करुथिबा समय किछि फोटो दिया जाइछि डॉक्टर साहू को विभिन्न विज्ञान कार्यक्रम रे अतिथि रूपे निमंत्रण करा जाउथिला कार्यक्रम रे उद्बोधन देवा समय रे से सर्वदा छात्र छात्री तथा शिक्षक शिक्षयित्री को साइंस एंड टेक्नोलॉजी रे इनोवेशन करिबा पई प्रेरणा देउथिले एबे तांको परिवार विषय रे किछि प्रथमे भौणीक विषय रे तांकर जन्मर प्राय 12 वर्ष परे 14/11/1963 एक भौणी जन्मलाभ करते जहाँ नाम नीलेन्द्री से भौणी को बहुत भल पाते नीलेन्द्री बाहागर 1983 मार्च 10 तारीख में कटापल्ली ग्रामर सुदाम साहू सहित होता से वन विभाग एक उच्चपदस्थ कर्मचारी थे से मानकर 2 पु बड़ पुअर नाम देवप्रकाश और सान पुअर नाम वेदप्रकाश एवं बहुत पर 1979 जनवरी 21 तारीख में कटापल्ली ग्रामर प्रसिद्ध कविराज शिक्षाविद तथा समाज संस्कारक श्रीजुक्त भवानी शंकर साहू एवं तांको धर्मपत्नी श्रीमती सुकांत साहू को कनिष्ठ कन्या सरोजिनी सहित तांकर विवाह होता सरोजिनी बड़ भौणी विष्णुप्रिया साहू समाजसेवी और बड़ भाई डाक्तर राजाराम साहू जड़े प्रसिद्ध डाक्तर 1981 फेब्रुआरी 6 तारीख तांकर बड़ पु एवं 1982 अगस्त 17 तारीख में द्वितीय पुत्र जन्मलाभ करथिला एही संतान दुयंक नाम तांकर अजा रखिथिले सत्यप्रकाश और ज्ञानप्रकाश एबे तांकर पुत्र और नाती विषय 2010 जनवरी 23 तारीख में सत्यप्रकाशर बाहागर सीमंतिनी सह होता 2015 जनवरी 16 तारीख में तांकर एक पुत्र संतान जात होता जार नाम आयुष 2013 फेब्रुआरी 14 तारीख में ज्ञानप्रकाशर बाहागर सोनम अभिलाषा सह होता 2022 मार्च 29 तारीख में तांकर एक पुत्र संतान जात होता जार नाम पीयूष एवं जानवा
ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଚାକିରି କରିବା ପରେ ପରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କର୍ମଭୂମି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ସ୍ତ୍ରୀ ସରୋଜିନୀ ବାହାଘର ସମୟରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ନେଇ ବିଏସ୍ସି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସରୋଜିନୀଙ୍କର ଡାକ୍ତର ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କହିଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଡାକ୍ତର ସିନା ହୋଇପାରିଲନି, ତୁମେ ଗବେଷଣା କରି ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିବ ଓ ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ୟୁରି ଓ ପ୍ୟାରି କ୍ୟୁରିଙ୍କ ପରି ଗବେଷଣା କରିବା। ତାଙ୍କରି ସାହାଯ୍ୟ, ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗୁଁ ସରୋଜିନୀ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ବିଏସ୍ସି, ବିଏଡ଼, ଏମ୍ଏଡ଼ ଓ ପରେ PhD କରି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସଦାବେଳେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେପରି ପୁଅ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସତକୁ ସତ, ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ପୁଅମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ତାଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ସହ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ନାତି ଆୟୁଷ ସହ, ନାତି ଆୟୁଷକୁ ଜୀବନଠୁ ବଳି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଜର୍ମାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ପାଛୋଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ତଥା ଯିବା ସମୟରେ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଭାରତର ଘରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆଖପାଖର ସ୍କୁଲ ଓ ପାର୍କକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଉଥିଲେ। ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଥରେ ତାକୁ ପଚରାଗଲା, ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଦାଦା? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ୱାଇ ନଟ୍, ଦାଦା ଇଜ୍ ମାଇ ପରଫେକ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଅଲସୋ ଦାଦାସ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଓ ଆୟୁଷର ସମ୍ପର୍କ କେତେ ନିବିଡ଼। ଏବେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି, ଗୁରୁ ଓ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି, ଗୁରୁ ଓ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଜନ୍ମଭୂମି କୁଲିତା ଟୁକୁରାର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବ୍ଲି ପାଳନ ସମୟର ଫଟୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟର ଫଟୋ। ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପତିଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ, ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ତତେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୋଜୁଥିଲି। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କର 1968 ମେଟ୍ରିକ୍ ବେଚ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ December 25 ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ସିଲଭର ଜୁବ୍ଲିର ଫଟୋ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ବନ୍ଧ କେତେ ଶକ୍ତ। ଏବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରତିଟି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିପାରୁଥିଲେ। ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳି ଓ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହସଗପ ଶୁଣାଇ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଉଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହାତ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ହସ ହସ ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କର ହାଲଚାଲ ପଚାରୁଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଅଫିସର ଠାରୁ ପିଅନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ପ୍ରିୟ ସାହୁବାବୁ ଏବଂ ଛୁଆଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ପ୍ରିୟ ସାହୁ ଅଙ୍କଲ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶି ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏଠାରେ ସେ ରହୁଥିବା ଅରବିନ୍ଦ କଲୋନୀର ହୋଲି ସମୟରେ ଏକ ଫଟୋ ଦିଆଯାଇଛି। କାଳର କରାଳ ଗତିକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। 2021 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ଓ ନିଦାନରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଶରୀରର ଅବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେଲା। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଶତଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ 2021 ମସିହା March 11 ସେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ। କୋଭିଡ୍ ଜନିତ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ କର୍ମକର୍ମାଣୀ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଛି କରାଯାଇପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀଲାଲଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟତିଥି ପାଳନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସାହୁଙ୍କର
प्रथम पुण्यतिथि कमिटी रे तांकर इच्छा विषय रे जणाइले। एही दिगरे कमिटीर समस्त सदस्य ओ शुभेच्छु मानक आंतरिक प्रचेष्टा फल 2021 मसीहा एप्रिल 21 तारिख रे महामहिम राज्यपाल पुण्यतिथि पालन अवसर रे मुख्य अतिथि रूपे श्रद्धांजलि ज्ञापन करने सह डॉक्टर साहू को स्मृति उद्देश्य रे प्रस्तुत करा जाइथिबा स्मरणिका नीलज्योति उन्मोचन कले। एबे देखिबा डॉक्टर साहू को स्मृति और सम्मानार्थे कार्य। यही जनप्रिय वैज्ञानिकों स्मृति और सम्मानार्थे विज्ञान परिवेश शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम करने निम्ते नीलाचल फाउंडेशन नामक एक ट्रस्ट गठन करा जाइछि। डॉक्टर साहू सदा सर्वदा साइंस एंड टेक्नोलॉजी रे इनोवेशन करने पर छात्र छात्री को प्रेरणा दे दिगरे से उत्साहित करने केतेक क्षेत्र में साइंटिस्ट डॉक्टर नीलाचल साहू मेमोरियल अवार्ड प्रदान निम्ते योजना करा। सेगुड़ी कहले रिफ्रेक्टोरी टेक्नोलॉजिस्ट फॉर बेस्ट इनोवेटिव वर्क इन एनुअल मीटिंग ऑफ इंडियन रिफ्रेक्टोरी मेकर्स एसोसिएशन गोल्ड मेडल टू द टॉपर ऑफ एमएससी केमिस्ट्री ऑफ गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल चिल्ड्रेन साइंस कांग्रेस सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ ब्लॉक म्युनिसिपैलिटी लेवल साइंस एग्जीबिशन राजगांगपुर स्टूडेंट फॉर बेस्ट इनोवेटिव वर्क इन साइंस एट डालमिया विद्या मंदिर गोपबंधु गवर्नमेंट हाई स्कूल एंड श्री अरविंद इंटीग्रल एजुकेशन रिसर्च सेंटर ऑफ राजगांगपुर। एबे डॉक्टर साहू को सम्मानार्थे कार्य एठारे डिस्ट्रिक्ट लेवल चिल्ड्रेन साइंस कांग्रेस रे डॉक्टर एन साहू मेमोरियल अवार्ड दिया जाउची। एठारे ब्लॉक म्युनिसिपैलिटी लेवल साइंस एग्जीबिशन रे एवं से जो अनुष्ठान रे अनेक वर्ष कार्य करथिले सेठार एम्प्लॉय मानको फेलिसिटेट करा जाउची। ए हाउची तांकर 71st बर्थडे सेलिब्रेशन समय रो फोटो एवं एठारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग फास्ट पुण्यतिथि ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर नीलाचल साहू। एवं श्रद्धांजलि जन्मभूमि थिला बरगढ़ जिल्लार ग्राम कुलिता टुकुरा उन्नत मानर कर्म जोगु हेलो प्रसिद्ध पृथ्वी सारा रिफ्राक्टोरी क्षेत्र गवेषणा कार्य जेते दिन चली देश विदेश तुमरी ज्ञानर जयगान हो जयगान हो।